जिनमें टेस्ट क्रिकेट खेलने की भूख नहीं, उनकी हमें जरूरत नहीं। ये जो कथन है, ये जो वाक्य है और ये जो स्टेटमेंट है, वो किसी आम खिलाड़ी के नहीं है, बल्कि गुरु ये स्टेटमेंट, ये कथन, ये वाक्य, ये शब्द हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का है। और ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है चौथे टेस्ट के समाप्ति के बाद, ये उन खिलाड़ियों को साफ इशारा है कि भारतीय कप्तान अब आपको टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल नहीं खिलाना चाहते। सिर्फ भारतीय कप्तान ही नहीं, बल्कि बीसीसीआई सेलेक्टर्स, कोच राहुल द्रविड़ भी इस तरफ इशारा कर चुके थे कि भैया जो क्रिकेटर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, जो क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो नहीं देंगे, उनकी बिल्कुल भी सख्त जरूरत नहीं है टीम में। और इसी कथन को आज भैया हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने पुख्ता कर दिया, मोहर लगा दिया कि हार्दिक, ईशान और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों की जगह भारतीय टेस्ट टीम में बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उन खिलाड़ियों को आप देख कर कह सकते हैं कि उन खिलाड़ियों में टेस्ट क्रिकेट खेलने की बिल्कुल भूख नहीं है। तो ऐसे खिलाड़ियों को मैं टेस्ट क्रिकेट खिलाकर करूंगा ही क्या। अगर हम रोहित शर्मा के स्टेटमेंट पर गौर करें जो उन्होंने प्रेस वार्ता में बोला रांची टेस्ट जीतने के बाद, तो रोहित के अनुसार देखो जिनमें टेस्ट क्रिकेट खेलने की भूख नहीं है वो देख के पता चल जाता है, और फिर ऐसे खिलाड़ियों को खिलाने का क्या फायदा। ये रोहित शर्मा ने प्रेस वार्ता में बोला, और ये जो कथन है रोहित शर्मा का, ये अपने आप में सब कुछ बयां करके चल जाता है। जो असमंजस अभी तक बना हुआ था कि आखिरकार ईशान किशन वर्सेस बीसीसीआई के बीच क्या चल रहा है, आखिरकार श्रेयस अय्यर और बीसीसीआई के बीच क्या चल रहा है, आखिरकार हार्दिक वर्सेस बीसीसीआई के बीच क्या चल रहा है, तो भैया आज रोहित शर्मा ने मोहर लगा दिया कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ईशान किशन को साफ तौर पे संदेशा राहुल द्रविड़ ने भिजवाया है, साफ तौर पे कप्तान रोहित ने बोला है कि आपको अगर टेस्ट क्रिकेट खेलना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन देना होगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना होगा, तभी हम आपको शामिल करेंगे। लेकिन ईशान किशन ने बगावत करते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से सिरे से नकार दिया। फिर श्रेयस अय्यर जब दूसरे टेस्ट के बाद बाहर हुए टीम से, तो भी यही संदेशा भिजवाया गया कि श्रेयस भाई अगर आपको प्लेइंग 11 में फिर से शामिल होना है, आपको स्क्वाड में फिर से ये इच्छा है कि अगर चुना जाना है तो आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना होगा, मुंबई का जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला है उसमें भाग लेना होगा। लेकिन श्रेयस अय्यर ने सिरे से नकार दिया, कहा कि नहीं, मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना है, मुझे आईपीएल की तैयारी करना है। और ये जो आचरण है इन क्रिकेटरों की, भैया इससे साफ तौर पे बीसीसीआई नाराज है, कप्तान रोहित नाराज है और कोच राहुल द्रविड़ नाराज है, और वो नाराजगी आज प्रेस वार्ता में बिल्कुल साफ दिखा दी कप्तान रोहित ने। उन्होंने कह दिया कि ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है टीम में, श्रेयस अय्यर नहीं आना चाहते, नहीं खिलाना चाहते, तो हम उनसे आग्रह नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे पास टैलेंट पूल की कमी है के हमारे पास सरफराज हैं, हमारे पास पाटीदार हैं, हमारे पास देवदत्त पड्डीकल हैं, हम उन खिलाड़ियों को खिलाएंगे जिनके अंदर भूख नजर आती है, जो चाहते हैं, जिनके अंदर इच्छा है, जिनके अंदर ललक है, जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर जोश है, हम उन खिलाड़ियों को खिलाएंगे। हम ऐसे खिलाड़ियों को कतई अपने स्क्वाड में नहीं रखना पसंद करेंगे जो खिलाड़ी बोझ बन गए हों हमारे टीम के ऊपर। श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन बोझ बन गए हैं, ये साफ हो चुका है। और भारतीय टीम ने बड़ा एक्शन भी लिया है, श्रेयस अय्यर को दूसरे टेस्ट मुकाबले के बाद बाहर किया, किशन को चुना भी नहीं, केएस भरत को खिलाया, केएस भरत के बाद ध्रुव जोरेल जो कभी समीकरण में ही नहीं थे, साफ तौर पे संदेशा बीसीसीआई सेलेक्टरों को राहुल द्रविड़ ने भेजा कि आपको अन्य ऑप्शन देखने होंगे, किशन को भूलना होगा, तो ध्रुव जोरेल जो समीकरण में कहीं नहीं थे उनको चुना गया, मौका मिला तो दोनों हाथों से ध्रुव जोरेल ने भुनाया। फिर सरफराज खान जो सिरे से नकार दिए गए थे बीसीसीआई द्वारा, श्रेयस अय्यर को बाहर करके उनको एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि सरफराज खान में वो भूख है, वो जज्बा है, वो ललक है। तो ऐसे खिलाड़ियों की कमी नहीं है, ये श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को समझना होगा। और आज जो स्टेटमेंट कप्तान रोहित ने दी है, भैया ये बड़ा तमाचा है इन खिलाड़ियों के ऊपर, और
ये तमाचा जरूरी भी था, क्योंकि अगर ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनका उत्साह वर्धन किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा कि आइए, नहीं आपकी जरूरत है टेस्ट टीम में, तो अन्य खिलाड़ी उसी राह पर जाएंगे जिस राह पर हार्दिक, श्रेयस और ईशान किशन जा रहे हैं। तो जो नए हमारे युवा लड़के हैं, उनको, उनके लिए एक कड़ा संदेश जाएगा रोहित के इस कथन से। तो भैया, रोहित शर्मा जैसा कप्तान तो शायद ही अभी भारतीय क्रिकेटर को, भारतीय क्रिकेट टीम को कभी मिला होगा। एक लीडर के तौर पे वो दिखते हैं, ऐसा लगता है कि सभी खिलाड़ियों के वो बड़े भाई हैं और सबको प्यार से डांटते हैं, पुचकारते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। ऐसे लीडर की हमें हमारे टीम, भारतीय टीम को जरूरत भी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाक दीजिएगा कि भैया, रोहित के इस कथन के बाद क्या आपको अभी उम्मीद है कि रोहित, अरे कि किशन, श्रेयस और हार्दिक की कभी टेस्ट टीम में वापसी भी हो पाएगी या फिर अब इनका कैरियर तय है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।